नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ज्वारी की मसाला सेव। देख रहे हो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने ही है। एकदम खस्ती भी और करारी भी है और झट से बनाई जाती, ज्यादा टाइम लगता नहीं और कुछ नहीं। एक बार ये तरीका आप घर पे बनाओगे दोस्तों, सही क्यों तो बहुत ही आपको ये पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करना ना भूलना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन भी क्लिक करो, यानी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है आपके मोबाइल में पहले आ जाती। तो चलो भी ज्यादा बातें करते नहीं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कप ज्वारी का आटा लिया है दोस्तों, फ्रेश वाला लेना है। ज्यादा दिन हमें रख देते ना ज्वारी का आटा तो फिर जो उसका जो चिकासपन वो निकल जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि एकदम फ्रेश वाला यहाँ पे ज्वारी का आटा लेना है। और यहाँ पे 1 कप जितना हमने चावल का आटा लेना है, 1 कप चावल के आटे में 3 कप हमें ज्वारी का आटा लेना है। अब एक बड़ा वाला बाउल ले लेना है, यहाँ पे हमने ज्वारी का आटा डाल देना है। इसी के साथ हम डाल देते हैं चावल का आटा। चावल का आटा डालने का कारण है कि जो हमारी जो हम लोग सेव बनाने वाले हैं बहुत ही कुरकुरी लगती है, इसलिए यहाँ पे हमें चावल का आटा मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। तीखापन आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर तीखी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया हुआ है, उसका पाउडर कर लिया। तो चम्मच जीरा में क्या करना, पहले भून लेना है, उसको मिक्सर में निकाल के इसका पाउडर जैसे पीस लेना है। 1/4 चम्मच हींग डाल देना है। इसी के साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। खस्तापन करने के लिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला 3 चम्मच ऑयल डालना है, नॉर्मल वाला। अब इन सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देख रहे हो, ये सेव आप चाय नाश्ता के साथ भी खा सकते हो दोस्तों, किधर घूमने गए वहाँ पे भी लेके जा सकते हो। इसकी टेस्ट बहुत अलग आती है, पर बहुत ही बढ़िया आती है खाने में। यहाँ पे हमने ज्वारी का आटे का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। अभी यहाँ पर हमने एकदम सॉफ्ट सा डो बना लिया। देखो इसी तरह से जैसे हम सेव निकालते वो नॉर्मली कैसा डो होता है वैसे इसको बनाना है हमें। और इसको हमें 5 मिनट ऐसे कंटिन्यू मालिश करना है। जब तक ये मालिश करना है तब तक ही हमारी जो सेव ना बहुत ही खस्ती बन जाती। थोड़ा अच्छी तरह से मालिश कर लेते, इसी तो इसको चला लेना है। अभी यहाँ पर हमने 5 मिनट कंटिन्यू मालिश कर लिया हुआ है, मसल लिया है। देखो इसी तरह से परफेक्टली। अभी यहाँ पे हम लोग साचा लेते हैं सेव का। अभी मैं ये वाली छन्नी यूज़ करने वाली, बड़ी वाली सेव। आपको पतली भी सेव खानी हो तो आप पतली भी इसमें छन्नी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने रखी आपने भी वही रखनी, आपको साइज आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ये वाली छन्नी रखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने डो ले लिया हुआ, इसके अंदर भर देना है। इसके अंदर ऑयल वगैरह हमें कुछ लगाना नहीं है, ऐसे ही इसको डाल देते हैं। देख रहे हो, अभी बंद कर देते हैं और ऑयल चेक कर लेते गर्म हुआ क्या नहीं बराबर। अभी यहाँ पे ऑयल चेक कर लेते अच्छी तरह से गर्म हुआ क्या नहीं। थोड़ा सा डो डाल देती हूँ। ये तुरंत ऊपर आ गया तो समझना चाहिए कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत टाइम के बाद ऊपर आ रहा है तो अभी तक हमारा ऑयल गर्म हुआ नहीं। इसको और 2 मिनट अच्छी तरह से हम गर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैंने चेक कर लिया हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग साचा ले लेना है और यहाँ पे हमें एकदम गर्मा गर्म इसमें ही हमें यहाँ पे सेव निकालनी है दोस्तों। देख रहे हो, बस इसको तुरंत टच नहीं करना है हमें, थोड़ा टाइम देने के बाद ही इसको टच करना है। और ऑयल कभी भी आधा लेना है, उसे हम लोग सेव डालते तो ये ऊपर आ जाता है। अब ज़्यादा ऑयल लोगे तो हमारा ऑयल पूरा गैस के ऊपर आ जाएगा, कड़े के ऊपर चला जाएगा। देख रहे हो, बबल्स कम होने के बाद ही मैं टच करूँगी और बहुत ही बढ़िया फूल जाती है और बहुत ही खस्ती लगती है खाने में। और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अभी हम इसको टच करेंगे, देख रहे हो, इसको इसी तरह से हमें पलटी करना है। हल्की सी बबल्स कम होने के बाद हमें निकालना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो हमारा कैसे लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है। और कौन से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लगते हैं वो भी बता देना, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी हमारी सेव हो गई है, मैं निकाल लेती हूँ इसको। और एक बार उलट पुलट कर लेना है, यानी कच्ची हमारी थोड़ी भी सेव लगेगी नहीं खाने में। देख रहे हो गई है परफेक्ट। देखो बबल्स कम हो गई ना इसीलिए, तो क्यों ना फिर सारी सेव में से ही निकाल लेते हैं। देख रहे हो दोस्तों, 4 कप ने हमने यहाँ पे बना दी 1 किलो जितनी सेव। रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, मैं अभी तोड़ लेती हूँ। देख रहे हो परफेक्ट बन गई है। और एकदम ज्वारी की हमने बनाई है, वो खस्ती है आवाज़। देख रहे हो एकदम मस्त बन गई है। इसको 2-3 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, चाय नाश्ते के साथ भी खा सकते हो बहुत ही इजीली। और नए तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है,
ज्वारी की सेव, और ज्वारी खाने में हेल्थी के लिए बहुत अच्छी लगती है, देख रहे हो। तो चलो अभी सर्विसिंग बॉल में ले लेते हैं। देखा ना दोस्तों कितने सस्ते में हमने बना दी, वो भी ज्वारी की सेव। आपको यकीन नहीं आता होगा दोस्तों, पर ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और सभी को मालूम है ज्वारी कैसी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक नाश्ता बनाया यानी कि सेव, आप इसको चाय नाश्ते के साथ भी खा सकते हो दोस्तों। ऑयल मेरे हाथों में थोड़ा भी रहेगा नहीं, मैं तोड़ के भी बता देती हूँ आपको। देख रहे हो आवाज़ एकदम कुरकुरित और करारी हमारी सेव बन गई है, रिजल्ट आपके सामने। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और इसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।